अल्लाह स्टूडेंट्स हेयर आई एम योर कम्प्यूटर टीचर मिस अरूबा एंड वेलकम इन माई अनदर वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स हम अपना लेक्चर आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर सिक्स द इंटरनेट का पार्ट वन समझाया था जिसमें मैंने आपको इंटरनेट और डब्ल्यू 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 से रिलेटेड लेक्चर दिया था आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर सिक्स द इंटरनेट के पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम इंटरनेट के फ़वाद और इंटरनेट के नुकसान के बारे में पढ़ेंगे तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डिफ़ाइन एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स अगर हम इंटरनेट के फ़वाद के बारे में बात करें तो इंटरनेट के बहुत से फ़वाद हमें देखने को मिलते हैं इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल हमें बहुत से फ़वाद दे सकता है यूं तो इंटरनेट के अनगिनत फ़वाद हैं लेकिन यहाँ मैं कुछ मोस्ट कॉमन एडवांटेजेस डिस्कस करना चाहूँगी तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन डिटेल इन एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं ईमेल

चंद ही सेकंड में ईमेल के जरिए अपना पैगाम भेज सकता है एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज ईजी एंड क्विक एक्सेस टू लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स अ वास्ट लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स हैव द वर्ल्ड एट देयर फिंगर टिप्स एनी टॉपिक कैन बी सर्च एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट The internet also makes the learning, the textbook content, more interesting by offering games and short videos that students may watch and interact with. अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इंटरनेट पे उसको सर्च कर सकते हैं और चंद सेकंड्स में ही आपको आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा माना जाता है कि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बहुत जल्द तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर आपको आपके किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो आप उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको आपका टॉपिक समझने में मददगार साबित होंगी चैटिंग यूजिंग द इंटरनेट वी कैन चैट विद आवर लव्ड वंस देयर आर मैनी सर्विसेज अवेलेबल फॉर फ्री विद द हेल्प ऑफ सच सर्विसेज इट हैज़ बिकम वेरी ईजी टू एस्टेब्लिश अ काइंड ऑफ ग्लोबल फ्रेंडशिप हम खुद से दूर अपने प्यारों से चैट कर सकते हैं अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से चैटिंग के जरिए हम उनसे रे में रह सकते हैं बिजनेस इट हैज़ बिकम ईजियर फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर Nowadays, many मैनी पीपल आर यूजिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स टू or और सेल और फॉर their देर प्रोडक्ट्स और Nowadays, almost anything ऑलमोस्ट be bought कैन बी बॉट विद द यूज़ ऑफ द इंटरनेट एंड मैनी कंज्यूमर्स from टू शॉप फ्राम होम बिजनेस फील्ड में इंटरनेट का इस्तेमाल और इसके फायदे बहुत कॉमन हैं आज का दौर ऐसा दौर है कि लोग घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सर्विसेज बहुत आम हैं लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इसके अलावा और भी कई तरह के बिजनेसिस में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कॉमन है सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लाइक फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम एटसेट्रा हैटेंट पार्ट ऑफ द डेली लाइफ वी यूज़ दीज साइट्स टू शेयर आवर पिक्चर एंड अदर इंफॉर्मेशन विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल आज की जनरेशन में बहुत कॉमन है इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हुए लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपनी लाइफ इवेंट्स पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंटरटेनमेंट ऑन द इंटरनेट वी कैन फाइंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट फ्रॉम वाचिंग फिल्म्स टू प्लेइंग गेम्स ऑनलाइन म्यूज़िक हॉबीज न्यूज़ एंड मोर कैन बी फाउंड एंड शेयर्ड ऑन दी इंटरनेट इंटरनेट को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इस पर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकते हैं ऑनलाइन गेम्स न्यूज़ म्यूजिक्स वगैरह ये तमाम चीज़ें एंटरटेनमेंट में शुमार होती हैं जिसे आप इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं जहाँ पर इंटरनेट के बेशुमार फवाद हैं तो वहाँ पर इंटरनेट के नुकसान भी कम नहीं हैं यस स्टूडेंट्स हमेशा इंटरनेट आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता इंटरनेट के एडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा अब हम इसके नुकसान के बारे में पढ़ते हैं ओवर रिलायंस टाइम रिलाई टू मच ऑन द इंटरनेट दे थिंक दैट जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ ऑन द गूगल इट हैज़ टू बी रिलायबल ऑल दो इट इज़ नॉट सो दूडेंट्स मे एक्सेज वेबसाइट्स डैट कंटेन इनकरेक्ट फैक्ट्स क्रिएटेड बाई सम वन हु इज़ नॉट एन अथॉरिटी ऑन द टॉपिक ओवर रिलायंस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेना येस yes, इंटरनेट में मौजूद हर एक चीज़ ठीक नहीं होती ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सच हो या सही हो और इंटरनेट की हर वेबसाइट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती इंटरनेट पे ऐसे बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी भी मिलती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता तो इसलिए इंटरनेट पर ओवर रिलायंस कर लेना कभी कभी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है साइबर बुलिंग चैट रूम्स हैव बिकम द न्यू प्लेग्राउंड फॉर हरासमेंट वेयर द चिल्ड्रेन आर ल्यूड इन टू इन अप्रोप्रियट विद स्ट्रेंजर्स स्टूडेंट्स अगर बात की जाए साइबर बुलेंग की तो बुलेंग और हरासमेंट महज खेल के मैदानों में नहीं होती बल्कि अफवाहों गपशप धमकियों, बेजा तनकीद ब्लैक मेलिंग मजाक उड़ाने और किसी की निजी गुफगू को आम करने जैसे गैर अखलाकी अवा को भी साइबर बुलेंग में शुमार किया जाता है साइबर बुलिंग में मुलिस शख्स किसी भी फ़र्द को सोशल मीडिया टेक्स्ट मैसेज ईमेल, ब्लॉग या दीगर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के इस्तेमाल के ज़रिए अपना शिकार बना सकता है हो सकता है हम में से भी कई अफराद साइबर बुलिंग जैसे गैर पसंदीदा तजर्बे का सामना कर चुके हों। साइबर बुलिंग की कुछ सूरतें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये हैं किसी शख्स को तकलीफ़ दे और धमकी आमेज़ ई मेल या पैगाम भेजना ऐसी तस्वीर या तबसरे देना जो किसी भी शख्स के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने किसी शख्स या इदारे की तजहीक की गर्ज़ से कोई वेबसाइट बनाना सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी शख्स की बेज़ती करना किसी शख्स की तजहीक की गर्ज़ से कोई सोशल मीडिया पर जाली प्रोफाइल बनाना ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाना ऑनलाइन वीडियो गेम्स के दौरान दूसरे खिलाड़ियों को हरासा करना किसी की कोई बात या कोई अमल खुफ़िया तौर पर रिकॉर्ड करना और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना ये तमाम साइबर बुलिंग की सूरतों में शामिल हैं और अगर बात की जाए कि साइबर बुलिंग से कैसे महफूज रहा जाए तो ये कुछ नुकात हैं जो आपको साइबर बुलिंग और ऑनलाइन होते हुए किसी भी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रखने में मददगार साबित होंगे अपने तमाम तरह पासवर्ड्स को प्राइवेट रखें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों या कॉलिग्स में से किसी भी शख्स को अपनी ज़रूरी मालूम का पता ना दें प्राइवेसी सेटिंग और रिपोर्टिंग फीचर्स से मुतक आगही हासिल करें ऑनलाइन वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या तबसरा करते हुए ख्याल रखें और स्टूडेंट्स ये बात आप याद रखें कि आप इंटरनेट वेबसाइट्स पे किसी अजनबी यानी किसी अनजान लोगों से फ्रेंडशिप ना करें जिस शख्स को दरअसल आप जानते ही नहीं हैं तो ऐसे शख्स से बात करने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता आपके लिए ये बेहतर है कि आप किसी अनजान पर्सन से चैटिंग या किसी किस्म की बात ना करें क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला शख्स आपका वेलवेर well हो अनऑथेंटिक वेबसाइट्स विदाउट प्रॉपर सुपरविजन चिल्ड्रन कैन ओपन वेबसाइट्स कंटेनिंग इन अप्रोप्रिएट मटीरियल इवन कैन फॉल फॉलप्रे टू फ्रॉड्स इफ़ दे आर नॉट केयरफुल अबाउट द थिंग्स दे आर डाउनलोडिंग ऑन टू देअर कंप्यूटर स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट पे मौजूद हर वेबसाइट आपको फ़ायदा पहुंचाए। तो इसलिए ये आपके लिए बेहतर है कि आप हर वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश ना करें और इंटरनेट का इस्तेमाल आप अपने पेरेंट्स की स्ट्रिक्ट सुपरविज़न यानी कि पेरेंट्स की निगरानी में करें एंटी सोशल बिहेवियर पीपल नॉर्मली स्टे अवे फ्रॉम फैमिली एंड सोशलाइजिंग एज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स दीज हैज़ अ नेगेटिव इम्पेक्ट ऑन पीपल्स बिहेवियर अगर इंटरनेट का इस्तेमाल आप सिर्फ़ ज़रूरत के वक्त पर करते हैं और मखसूस टाइम के दौरान करते हैं तब तो ये ठीक है लेकिन हर वक्त इंटरनेट का बे इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है हर वक्त मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल और अपने आस के माहौल से दूर होना और बेगर्ज हो जाना अपने आस पास के माहौल से ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इंटरनेट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ में आए होंगे मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बग़ौर सुना समझा और इस पर आप अमल भी करेंगे मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो